भारत की बी टीम से हारने पर अफ्रीका में मचा हाहाकार, अपने ही खिलाड़ियों की लगाई जमकर लताड़। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी किसी सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा ना हो और सामने साउथ अफ्रीका जैसी टीम हो जो लगभग पूरी ताकत से मैदान पर उतरी हो। ऐसे में भारतीय टीम को सीरीज जीतना तो दूर की बात है, एक मैच में भी जीत का दावेदार मानना इतना आसान नहीं हो सकता। लेकिन शिखर धवन की कप्तानी में भारत की युवा ब्रिगेड ने इसे गलत साबित करते हुए 2-1 से ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में खेले गए आखिरी मैच में भारत ने बड़ी आसानी से 7 विकेट से जीत दर्ज की। फिरोज शाह कोटला मैदान में मंगलवार 11 अक्टूबर को सीरीज के विजेता का फैसला करने के लिए रोमांचक और जोरदार टक्कर की उम्मीद थी, लेकिन जो देखने को मिला वह बिल्कुल एकतरफा मुकाबला था। जाहिर तौर पर भारतीय टीम ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर शुरुआत में ही इस मैच को आसान मुकाबले में बदल दिया था। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज समेत सभी गेंदबाजों के सामने साउथ अफ्रीकी टीम सिर्फ 99 रन पर ढेर हो गई थी। इतने छोटे लक्ष्य के सामने भारत की जीत तय ही थी, लेकिन फिर भी क्रिकेट के खेल में कभी भी बाजी पलट जाने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में मैच को अंजाम तक पहुँचाना भी जरूरी था और इसे बखूबी अंजाम दिया शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने। टीम इंडिया ने 19 ओवर में ही 105 रन बनाकर सीरीज अपने नाम कर दी। अब यहीं से अफ्रीकी टीम और अफ्रीका में गदर मच गया। जी हां, युवाओं से सजी भारत की बी टीम कहे जाने वाली शिखर धवन की सेना से मजबूत अफ्रीकी टीम की हार से पूरी दुनिया तो हैरान है ही, लेकिन अफ्रीका में तो हाहाकार ही मच गया है। टीम के पूर्व दिग्गजों खिलाड़ियों ने अपनी टीम की जमकर लताड़ लगाई, जहां एबी डिविलियर्स ने अपने खिलाड़ियों को कोसते हुए कहा, डूब मरो, जब तुम भारत की दूसरी दर्जे वाली टीम को नहीं हरा पाए तो T20 का वर्ल्ड कप क्या जीत पाओगे। मुझे तो ये टीम अफगानिस्तान से भी कमजोर लग रही है। वही दोस्तों, पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा, ये बल्लेबाज तो भारतीय गेंदबाजों के सामने ऐसे नाचे जैसे बांसुरी के सामने सांप नाचता है। इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद सिर्फ 99 रन बना पाना बड़े ही शर्म की बात है। वैसे दोस्तों, आपको हमारी टीम का प्रदर्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।